गोवो गोस अराउंड 900, इसका नाम आपने सुना है कहीं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, यूट्यूब वीडियो पे, किसी और के मुंह से, और आपने सिस्टम ले लिया है और आपको अच्छा लगा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं लगा इसका मतलब आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं लिया है, आपने रेटिंग वगैरह देकर सिस्टम ले लिया है कि आपने देखा कि रेटिंग बहुत बढ़िया है, 4.1 जो भी है ले लिया है, जनता के ऊपर विश्वास करना ठीक है क्या? ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, समय शुरू होता है अब। अमरिंदर सिंह डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 74%। वैसे देखो जनता दोस्तों गलत नहीं होती, एक्चुअली जिन्होंने भी सिस्टम को देकर अच्छी रेटिंग दी है इसका मतलब उनको जो चाहिए था वो मिल गया है, और जिन्होंने अच्छी रेटिंग नहीं दी उनको वो नहीं मिला है। कई बार गलत रेटिंग गलत पैकेजिंग या बिल्ड क्वालिटी की वजह से भी मिल जाती हैं। आपको टेस्ट जाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि सिस्टम किसके लिए बना है किसके लिए नहीं बना है, ताकि आप इस सिस्टम को परचेज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगाएं। पूरे वीडियो में हम इसको बोट अवंतीवार 1550 के साथ कंपेयर करते चलेंगे, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि इसका बेस, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इस साउंड बार को खरीदते टाइम दोस्तों दो अजीब सी चीज़ें हुई। पहली, इसकी पैकेजिंग बहुत ही गंदी आई, तो मुझे लगा कि यार कहीं अंदर का माल ख़राब ना हो। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े, उनमें ये लिखा हुआ था कि यार हमारी पैकिंग ख़राब निकली लेकिन अंदर का सिस्टम ठीक है। फिर मैंने जब ये सिस्टम खोला तो ठीक निकला, तो ओके था। रिमोट को देखते मुझे बोट और जैवरोनिस की याद आ गई, मैंने जैवरोनिस वाली वीडियो में भी दोस्तों ये बात बोली थी रीब्रांडिंग वाली। और वैसे दोस्तों रिमोट के अंदर मैं आपको बताऊं सभी अच्छे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और एक अच्छी चीज़ ये है कि बेस लेवल कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। एक कमी मुझे जो लगी दोस्तों, बेस जैसे आप कम करोगे या हाइस को कम करोगे जिस प्रोपोर्शन में कम होनी चाहिए वो उस प्रोपोर्शन में कम नहीं हो रही। इवन हाइस तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे ना तो आपको लगेगा मिड्स की भी वॉल्यूम ख़त्म हो गई है, तो ये बड़ा ड्रॉबैक लगा। सेम बेस के लिए, बेस कम करो 2 पॉइंट, ऐसा लगा कि हो रहा है 4 पॉइंट, तो यहाँ थोड़ा सा प्रपोर्शन मुझे गड़बड़ लगा, पता नहीं क्या दिक्कत है। दूसरी अजीब चीज़ क्या हुई मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। अभी आप छोटे सा एक साउंड टेस्ट सुनिए, उसके बाद मैं आपको टोटल चीज़ बताता हूँ। यूज़ योर ईयरफोन। दूसरी दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था अजीब चीज़ ये हुई कि जैसे ही मैंने सिस्टम को ख़रीदा अगले दिन प्राइस ड्रॉप हो गया 1000 रुपये। दोस्तों देखो कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अमेज़ॉन के ऊपर लिमिटेड टाइम डील चलती रहती है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार जब लिंक को ओपन करोगे ना तो देख लेना कि सेल वगैरह चल रही हो, खामोखा के एक्स्ट्रा क्यों पे करना। दोस्तों सब वूफर की बात करें, काफ़ी लाइट वेट सब वूफर है, ओनली अबाउट 4 kgs अप्रॉक्स। इसमें सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों मुझे ये लगी, इसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, चूहे वगैरह का डर नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। 6.5 इंच का दोस्तों सब वूफर है, और ये एक वायर्ड सब वूफर है। वायर्ड सब वूफर का दोस्तों फ़ायदा मुझे ये लगता है कि अलग प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नुकसान ये है कि आप इसको मनचाही जगह पर रूम पर नहीं रख सकते, साउंड बार के आपको पास ही रखना पड़ेगा, वायर की जो लेंथ है वो हाँ उसकी इतनी लिमिट है। साउंड बार की दोस्तों बात करें, यूनिक है इसमें लाइट, जैसे कि बोट का एक मॉडल है ओरियन, उसमें ये लाइट मिलती है। इस लाइट को जब मैंने अंधेरे में पता है बंद किया, इस लाइट को पता है जब मैंने अंधेरे में देखा तो काफ़ी इरीटेट कर रही थी, अगर आपके रूम में पूरी तरीके से डार्क है, तो मैंने सोचा कि यार रिमोट में तो लाइट का ऑन ऑफ का बटन है नहीं, तक मैंने साउंड बार को नहीं देखा था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा कि मंत्र वंत्र ना फूकना पड़ जाए बुझाने के लिए लाइट को। लेकिन इतने में मेरी नज़र गई इसके साइड के बटन्स पे, तो हाँ ऑप्शन है, आपको लाइट वाइट कंट्रोल वहाँ से कर सकते हो, और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि पावर ऑन ऑफ, या आप मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस में स्विच कर सकते हो और वॉल्यूम को अप डाउन भी कर सकते हो। साउंड बार में आपको 4 ड्राइवर मिल जाते हैं 2.5 इंच के, और इसके पीछे आपको तमाम कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि मिलनी चाहिए इस प्राइस रेंज में, HDMI, ERC, AUX, ऑप्टिकल, और एक सबवूफर को अटैच करने के लिए जगह।
और पावर केबल भी मिल जाता है। दोस्तों अब सबसे पहले बात करें सिस्टम के लाउडनेस की। द सिस्टम इज़ वेरी 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 लाउड, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और आप इसे पार्टीज़, होम पार्टीज़ में, मिनी पार्टीज़ में यूज़ आराम से कर सकते हो। लाउडनेस को लेकर आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। द सिस्टम इज़ क्वाइट लाउड। बोट अपन दीवार 1550 की करें, उतना ही लाउड है सिस्टम। अब दोनों की दोस्तों बेस की बात करते हैं, क्योंकि 6.5 इंच के दोनों के सबवूफर हैं। पहले मैं इसकी बेस की बात करता हूँ दोस्तों। 6.5 इंच के सबवूफर के हिसाब से द बेस इज़ वेरी वेरी ग्रेट, काफ़ी डीप है बेस। और अच्छी बात यही है इसमें कि अपर बेस बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा बेलगाम अपर बेस नहीं है इसमें, जैसे कि बोट अपन तिवार 1550 में है। तो बेस लवर्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छी चॉइस है, बेस लवर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। बोट 1550 से दोस्तों इसका क्वालिटी वाइज बेस बेटर ही मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बोट 1550 में क्या था, अपर बेस थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड था। अब बात करें दोस्तों क्लैरिटी की। क्लैरिटी से पहले दोस्तों हाइज की मैं बात कर लूँ यहाँ पे। इसकी हाइज बोट अपन तिवार 1550 से काफ़ी बेटर है। उसके अंदर एक अजीब सी हार्शनेस थी, पता नहीं नॉइज थी, जो भी था, ज़बरदस्ती इसकी हाइज बूस्ट कर रखी थी ऐसे लग रहा था। इसमें दोस्तों उतना नहीं है, हाइज बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, तो एवरेज ही, पर ओके। मिड्स भी इस वजह से इसके बोट अवंति बार 1550 के कंपेरेटिव इस सिस्टम के, यानी कि गोवो सराउंड साउंड 900 के बेटर लगते हैं। तो ओवरऑल मैं क्लैरिटी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे गोवो सराउंड साउंड 900, बोट अवंति बार 1550 से बेटर है। अब दोस्तों फाइनल चीज़ पा देता हूँ मैं, ये सिस्टम किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सिस्टम के लाउडनेस से ज़्यादा मतलब है और क्लैरिटी आपको एवरेज चलेगी, और आपको एक बेस बूस्टेड सिस्टम चाहिए जिसका बेस अच्छा खासा डीप भी हो, तो आप सिस्टम को ले सकते हो। आपको डिटेलिंग चाहिए बेस के अंदर, ट्रेबल के अंदर, मतलब हाइज के अंदर, और मिड्स काफ़ी स्मूथ फाइन एकदम प्योर क्लीन मिड्स चाहिए, तो सिस्टम दोस्तों आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप LG SJ3 वगैरह या JBL के सिस्टम्स आप ले सकते हैं। या फिर मैंने वोकल्स क्लैरिटी के ऊपर दोस्तों भी एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, इसमें टॉप 5 स्पीकर बताए थे, उस वीडियो को आप देखिए। वोकल्स को अगर आपको वोकल्स ज़्यादा पसंद है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उस वीडियो में से आप अपने लिए एक सिस्टम डिसाइड कर सकते हो। ये था दोस्तों फाइनल कंक्लूजन। बोट अवंति बार 1550 से दोस्तों काफ़ी बेटर है। मुझे इन दोनों में से पर्सनली कोई चूज़ करना हो तो मैं इस सिस्टम को चूज़ करूँगा। अब ये नई कंपनी है, सर्विस वगैरह कैसी है दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता, आपने ट्राई किया तो आप उसके कमेंट में बताइए कि सर्विस कैसी दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, ना तो गोवो ना ही बोट मेरा कोई रिश्तेदार है, सारे सिस्टम मैं खुद बाय करता हूँ, परचेज करता हूँ, और जो मुझे डिफरेंसेस लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंपैरेटिव टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय।